श्रीगुरु चरण सरोज रज निजमनु मुकुरु सुधारी वरनौ रघुवर बिमल जसु जोदायकु फल चारी। अर्थात श्री गुरु के चरण कमल के धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ, जो चारों प्रकार के फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरहु पवन कुमार वलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश बिकार। अर्थात हे पवन कुमार, मुझे बुद्धिहीन जानकर सुनिए और बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरे क्लेश और विकार को हर लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात ज्ञान गुण के सागर हनुमान जी की जय, तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश की जय। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अर्थात हे अतुलित बल के धाम रामदूत हनुमान, आप अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से संसार में जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर, आप वज्र के समान अंकों वाले हैं और अपने भक्तों की कुमति दूर करके उन्हें सुमति प्रदान करते हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपके स्वर्ण के समान कांतिवान शरीर पर सुंदर वज्र सुशोभित हो रही है, आपके कानों में कुंडल और बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आप अपने हाथों में वज्र के समान कठोर गदा और ध्वजा धारण किया है, कंधे पर मूंज और जनेऊ भी धारण किया हुआ है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी नंदन हैं, आप परम तेजस्वी और जगत में वंदनीय हैं। विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। अर्थात आप विद्यावान गुनी और अत्यंत चतुर हैं और प्रभु श्री राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मनवसिया। अर्थात आप प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए सदा लालायित रहते हैं, राम लक्ष्मण और सीता सदैव आपके हृदय में विराजमान करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अति लघु रूप धारण करके माता सीता को दर्शन दिया और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के कांच सवारे। अर्थात
आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्य को पूर्ण किया। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरसि उरलाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। अर्थात भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही अत्यंत प्रिय हो। सहस पदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात हजार मुख वाले शेषनाग तुम्हारे यश का गान करे, ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मांदि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिकपाल जहाते, कभी कुबिद कही सके कहाते। अर्थात हे हनुमान जी, आपके यशों का गान तो सनकादिक ऋषि ब्रह्मा और अन्य मुनिगण नारद सरस्वती के साथ शेषनाग यमराज कुबेर और समस्त दिक्पाल भी करने में असमर्थ है, तो फिर विद्वान कवियों का तो कहना ही क्या। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव पर उपकार किया और उन्हें राम से मिलाया और राजपद भी प्राप्त करवाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके सलाह को मानकर विभीषण लंकेश्वर हुए, ये सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। अर्थात हे हनुमान जी, आपने बाल्यावस्था में ही हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को एक मीठा फल जानकर खा लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचिरज नाही। अर्थात आपने भगवान राम की अंगूठी अपने मुख पे रखकर विशाल समुद्र को लांघ गए थे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अर्थात संसार में जितने भी दुर्गम कार्य है वे आपके कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा विनु पैसारे। अर्थात भगवान राम के द्वारपाल आप ही हैं, आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में प्रवेश नहीं मिलता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आए हुए को सब सुख मिल जाते हैं, आप जिसके रक्षक हैं उसे किसी का डर नहीं। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे।
अर्थात हे महावीर, आपने तेज के बल को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार से तीनों लोग आमते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपका नाम मात्र लेने से ही भूत पिशाच भाग जाते हैं और नजदीक नहीं आते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से सभी प्रकार के रोग और पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बच्चन ध्यान चुलावे। जो भी मन क्रम और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है वो संकटों से बचा रहता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थ, जो राम स्वयं भगवान है उनके भी समस्त कार्यों का संपादन आपके ही द्वारा किया गया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात हे हनुमान जी, आप भक्तों के सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, आपके नाम का प्रताप चारों जुगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रखवाले हैं, असुरों का संहार करने वाले हैं और प्रभु श्री राम के अत्यंत प्रिय भी हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। आप आठों प्रकार के सिद्धि और नौ निधियों के प्रदाता हैं और ये वरदान आपको जान की माता ने दिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप अनंत काल से प्रभु श्री राम के भक्त हैं और राम नाम की औषधि सदैव आपके पास रहती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। आपकी भक्ति से जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति देने वाले प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। अंतकाल रघुवर पुर जाय, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात वो अंत समय में मृत्यु के बाद भगवान के लोक में जाता है और जन्म लेने पर हरि भक्त बनता है। और देवता चित्तन धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। किसी और देवता की पूजा न करते हुए भी सिर्फ आपकी कृपा से ही सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। जो भी व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सब प्रकार के संकट और पीड़ा मिट जाते हैं।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान गोसाई, आपकी जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा करें। जो सत बार पाठ करे कोई, छुट ही बंदी महासुख होई। जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे महान सुख की प्राप्ति भी होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी कोरी सा। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे निश्चित ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। हे हनुमान जी, तुलसीदास सदैव प्रभु श्री राम का भक्त है, ऐसा समझकर आप मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुर भूप। हे मंगल मूर्ति पवन सुत हनुमान जी, आप मेरे हृदय में राम लखन और सीता सहित निवास कीजिए। जय श्री राम।